हेलो फ्रेंड्स, प्रीतिस किचन में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेके आ रही हूँ आपके लिए एक और नई रेसिपी जिसमें हम बनाएंगे गाजर का हलवा। तो आइए देर इस बात की शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 किलो गाजर, जिसे मैंने पहले ही धो के और अच्छे से काट के रख लिया था। अब हम सबसे पहले गाजर को है ना अच्छे से कस लेंगे। तो यहाँ पे जो है ना मैंने सभी गाजरों को कस लिया है। अब हम इन सभी गाजरों को एक कुकर में बॉईल होने के लिए रखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे गैस फ्लेम ऑन करूंगी और यहाँ पे जो मैंने प्रेशर कुकर चढ़ा लिया है तो मैं यहाँ पे 1 चम्मच घी चढ़ाऊंगी। मैंने जो है देसी घी लिया है इधर। अब मैं ये हमारी जितने भी कसी हुई गाजर है थोड़ी थोड़ी करके इसमें डाल दूंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ना हम गैस फ्लेम को लो कर देंगे और कुकर का जो है ढक्कन अच्छे से बंद कर देंगे और इसमें वेट करेंगे हम 1 या 2 सीटी आने तक।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है मैंने गैस फ्लेम को ऑफ कर दिया है क्योंकि मेरी जो कुकर में है वो एक सीटी आ चुकी है। अब हम इसको खोल के देख लेते हैं कि हमारी गाजर देखिए फ्रेंड्स हमारी जो गाजर है वो गल चुकी है। कुकर में सीटी मैंने इसलिए लगवाई है क्योंकि ना गाजर के हलवा बनाने में है ना बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इससे क्या है ना कि हमारा जो काफी टाइम है ना वो बच जाएगा क्योंकि हमारी गाजर है ना वो आधी पक चुकी है। देखिए फ्रेंड्स अब मैं ना इस कुकर को उतार लूंगी। फिर से गैस फ्लेम ऑन करूंगी और एक कढ़ाई चढ़ाऊंगी और ये जो मेरी गाजर है ना ये मैं इसमें डालूंगी कढ़ाई में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ना मैंने 1 किलो गाजर के साथ आधी किलो दूध लिया है गाजर में डालने के लिए। तो हमारे जो है ना गाजर पकना शुरू हो गई है तो अब मैं इसमें ना ये दूध है ना ये पूरा डाल दूंगी। ये देखिए कलर देखिए दोस्तों कितना अच्छा कलर आ गया है पहले ही। अब हम है ना गाजर के हलवे में बॉईल होने तक का वेट करेंगे उसके बाद इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमारे गाजर के हलवे में बॉईल आना शुरू हो चुका है। अब हम इसको चलाएंगे। बीच बीच में है ना जो फ्रेंड्स गाजर के हलवे को चलाते रहना है नहीं तो ये नीचे से है ना चिपक जाएगा और जल जाएगा। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो मैंने है ना इसमें डालने के लिए गाजर के हलवे में डालने के लिए बादाम लिए हैं थोड़ी किशमिश पिस्ता और काजू लिए हैं। आप कोई भी ड्राई फ्रूट यूज कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल है। मेरे पास अभी जो है ना यही ड्राई फ्रूट था मैं यही डाल रही हूँ गाजर के हलवे में। और मैंने जो है ना 200 ग्राम चीनी ली है। तो देखिए दोस्तों हमारा गाजर के हलवे का जो दूध है वो काफी हद तक पक चुका है। अब हम इसमें है ना जो हमने चीनी ली थी वो ऐड करेंगे। चीनी डालने के बाद है ना फ्रेंड्स जो है ना इसमें गाजर के हलवे में बहुत अलग कलर आता है एकदम रेडिश। देखना आप धीरे धीरे इसका कलर कैसे चेंज होता है चीनी डालने के बाद और एकदम शाइनी लगता है। अभी जो है ना हमने चीनी डाल दी ना तो उसमें क्या होता है चीनी डालने के बाद है ना गाजर के हलवे में से थोड़ा वो चीनी है ना पिघलती है ना तो थोड़ा पानी छोड़ती है। तो ये ना हम इसको अच्छे से तब तक पकाएंगे तब तक ये पानी बिल्कुल भी नहीं सूख जाता।
तो ये देखिए दोस्तों, चीनी से हमारा जो हलवा है ना गाजर का, वो थोड़ा लूज हो गया है फिर से। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे ना दो इलायची ली है हरे वाली, अब हम इसको कूटेंगे। फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और खुशबू भी अच्छी आती है। इलायची जो है ना आपके लिए ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। इसका जो छिलका है ना वो मैं सेपरेट कर दूंगी, वो नहीं डालूंगी। तो देखिए यहाँ पे जो है ना हमारा दूध है ना काफी हद तक सूख चुका है और जो है ना उसका मावा बन चुका है। ये जो वाइट वाइट दाने है ना, देखिए ये मावा बन चुका है दूध का। मैं ना जो है ना अभी इसको और पकाऊंगी अच्छे से, क्योंकि देखिए अभी है ना इसमें हल्का पानी है। देखिए जब तक ये पानी नहीं सूख जाता ना तब तक पकाएंगे। तो यहाँ पे जो है ना मैं एक चम्मच होममेड क्रीम ऐड करूंगी। क्रीम से है ना दोस्तों टेस्ट जो है ना बहुत अच्छा आता है और काफी शाइनी बनता है हमारा हलवा जो है। आप जो है ना क्रीम के बदले घी भी ऐड कर सकते हैं। देखिए अभी जो है ना हमारे गाजर के हलवे में है ना दूध बिल्कुल भी नहीं है, एकदम सूख चुका है। देखिए आप एकदम अच्छे से पक चुका है। तो यहाँ पे जो है ना मेरा गाजर का हलवा पक चुका है, अब मैं गैस फ्लेम को जो है ना बंद कर दूंगी। अभी मैं ना अपने जितने भी ड्राई फ्रूट्स है ना इसको ना देसी घी में अच्छे से भून लूंगी और गाजर के हलवे में डालूंगी। तो जब तक हमारा घी गर्म हो रहा है तब तक मैं ये अपना गाजर का हलवा है जो एक पैन में निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना मेरा देसी घी एकदम गर्म हो चुका है, अब मैं ये जितने भी ड्राई फ्रूट्स है ना ये ऐड कर दूंगी। सबसे पहले मैं बादाम ऐड करूंगी। इसके बाद कैशू, और पिस्ता और किशमिश। मैं गैस को बंद कर दूंगी क्योंकि मैं हरी है ना काफी गर्म हो चुका है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो है मेरा गाजर का हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है और देखने में देखिए कितना अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स जिसको भी मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। अब हम मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।